अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल A1 होंगे। लर्नर स्टेशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पज़ल्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पज़ल्स को हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है और पज़ल्स के फ़ायदे क्या हैं। देखें जी, पज़ल बच्चे को रीजनिंग सिखाता है, क्रिटिकल एनालिसिस कर सिखाता है, और मतलब बच्चे को सिचुएशन हैंडलिंग सिखाता है, कलर इमेजिंग सिखाता है, कलर सॉर्टिंग सिखाता है। अच्छा, पहले हमने बहुत इजी सा पज़ल लिया है, ये आपको मैथ्स की शेप सिखाने में भी हेल्प आउट करेगा। और सबसे पहले हम इसको तो टच नहीं करेंगे, 3 पार्ट्स वालों को। बस ये उठाया, बच्चा वापस इसको इसकी जगह पर रखेगा। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और उसको थोड़ी बहुत लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसका हाथ पकड़ना है और ये पकड़वा के वापस यहीं रखवा देना, या 2 बार आप खुद उठाएं और रख दें उसके सामने। फिर आप इन सब पे हाथ रखें और ये हटा के साइड पे रख दें, वो उठाएगा वापस रखेगा, देन ये और ये। फिर इसके बाद 2 पीसेस को हम टच करेंगे, साथ साथ हम बताते रहेंगे सर्कल, स्क्वायर, ऑक्टागोन। ये 3 पीसेस वाले को हम सबसे लास्ट में टच करेंगे, और ये आपने संभाल के रखने हैं। जब आप फ्रैक्शन सिखाएंगे अपने बच्चों को तो भी आप बताएंगे 1, 1/2, 1/3, यानी कि एक सर्कल के 3 पोर्शन किए हैं, उसमें से 1 पोर्शन ये है, बकाया 2 को हमने छोड़ दिए, हम 3 पोर्शन में से 1 को कंसिडर कर रहे हैं। सही हो गया जी, ये सबसे पहले मैथमेटिकल पज़ल है और बहुत ईजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, डॉलर शॉप्स पर बहुत ईज़िली चीप प्राइसेस में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है ये आगे जी न्यू पज़ल्स, और इसमें आपको डिफरेंट वैरायटी है, 2, 3 पीसेस पज़ल, 4 पीसेस, 5 पीसेस और 6 पीसेस। सबसे पहले हमने 3 पीसेस को चूज़ करना है, ये मैंने पहले से सॉर्टिंग कर ली, और आपने भी पहले से सॉर्टिंग करनी है। ढेर नहीं लगा देना बच्चे के सामने कि वो कन्फ्यूज़ हो जाए। अब मैंने ये उठाया और ऐसे उल्टा सीधा रख दिया। अच्छा, पज़ल्स देखें आप, मैं बड़े ग़ौर से बच्चा देखेगा, यार यहाँ पे तो ब्लू है और ये पिंक के 2 डिफरेंट शेड्स हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। नहीं, फिर उसको आपने बताना है लाइट पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, डार्क पिंक, ये यहाँ पे आ जाएगा। इजीली आपने स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, और फिर आप साथ साथ कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करते रहें। और यहाँ पे अगर बटरफ्लाई से बच्चा बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो हम बटरफ्लाई और इस तरह से, देन 4 पीसेस। ये पज़ल बॉक्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे ग्रॉसरी स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगा, और इनके पीछे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। लेकिन आपने बच्चे को नंबर से पहले नहीं कराना, आप वो फिर बच्चे को बहुत इजी हो जाएगा। पज़ल का जो मेन मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग, वो फोर्थ हो जाएगा। हमने उसको जो पज़ल का बेसिक मकसद है, नंबर्स तो हम दूसरे तरीक़ों से भी सिखा सकते हैं ना, तो जो हमने पज़ल पे इन्वेस्टमेंट की वो फिर ज़ाया हो जाएगी। अब जैसे ये है तो इसमें हम बच्चे को कहेंगे हैप्पी फेस कम्प्लीट करें, फिर ये हैप्पी फेस हो गया, देन ये हैप्पी फेस मिसिंग है। इस तरह से हमने छोटे छोटे बच्चे को टिप्स और ट्रिक्स देनी है। पहले तो हम स्टार्ट में उसकी हेल्प करेंगे और उसके साथ मिल के करेंगे। फ्रॉग, जंप लाइक फ्रॉग, देन ये देखें जी, यहाँ पे हम बच्चे को क्या कहेंगे, आइस मिसिंग। लो भाई, आइस ढूंढ लेते हैं हम। अब क्या है अगला काम, रेड सर्कल मिसिंग, हेयर और हेयर, हेयर और हेयर, जी ये है रेड सर्कल। इस तरह से अब मैं 1 by 1, तो आपको ना मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगी ना मैं आपका टाइम ज़ाया करूँगी, बाकी भी सेम इसी तरह से ही है। ये है जी 5 to 6 pieces पज़ल, ये भी 4, ये 5 pieces पज़ल है, ये 6 pieces पज़ल है, देन ये आप इस तरह से करते रहेंगे। और सारे एकदम से नहीं करने, 1-2 दिन पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो पहले तो वुडन पज़ल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैथ्स की जब आप क्लास ले रहे हैं, और फिर जो है आप जब ये पज़ल्स करवाएंगे ये वाले, तो इसमें आप सिर्फ पहले बटरफ्लाई को 3 पीसेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 1-2 दिन आप वही करते रहें, लाइट एंड डार्क पिंक का कॉन्सेप्ट दें, उल्टा सीधा रख के दें बच्चे को। और पहले ये कि पहले बच्चा बताएं बच्चे को कि ये उल्टी सीधी, पहले हम इमेजेस को
इमेज वाली साइड को अप करेंगे, देन हम उनको अरेंज करेंगे, उल्टा सीधा रख के दें। और यहाँ पे हम बच्चे को कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्लॉकवाइज रोटेट करें। अब जैसे ये है ना, मैं इसको कहूँगी क्लॉकवाइज रोटेट करें, लाइट पिंक मैच करें। अब बाज़ लोग कहते हैं जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं देना, तो हम उल्टा सीधा ऊपर नीचे जो कह सकते हैं, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं कह सकते। बच्चा माशाल्लाह बड़ा ज़हीन होता है और हम उसको अंडर एस्टिमेट हम लोग कर लेते हैं बच्चे को। अब आ गया जी छोटा सा जिग्सा पज़ल है। जिग्सा पज़ल वर्ड सा से निकला है, सा मतलब आरा, कटिंग मशीन, और जिग्सा एक स्पेसिफिक मशीन थी और वो मशीन स्पेसिफिक पैटर्न्स में चीज़ों को काटती थी। ये 1980s की बात है, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। अब जब जिग्सा पज़ल आप स्टार्ट करेंगे, अब मेरे पास ये है जी 9 पीसेस का पज़ल है, मैं अभी भी इसको 9 के 9 पीसेस नहीं तोड़ूंगी। बस स्टार्ट में उसको कहूंगी ऐसे करें, और मैं इसको तोड़ के बिल्कुल ऐसे नहीं रख दूंगी, ऐसे कर दूंगी। अब मैं कहूंगी जी रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आ गया नेक्स्ट, मैं करूंगी जी 2 पीसेस, एक यहाँ से तोड़ दिया, एक यहाँ से तोड़ दिया। ये भी इजीली जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जगह जगह से आपको मिल जाते हैं, दराज पे पड़े हुए हैं और बहुत चीप हैं, 100 रुपीज़ पर पीस इसकी प्राइस है। अच्छा, पहले हम सिर्फ ना 3 पीसेस को अलग करेंगे, बकाया बना रहने देंगे, और बच्चे को कहेंगे जी आप इसको फिक्स करें। अब पहले तो हमने एक किया तो वो तो नज़र आ रहा था भी, एक जगह से उतरा है और वही लगा देना है। अब क्या है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है बच्चा। अब हम क्या कहेंगे, देखें यहाँ पे हम कहेंगे ब्लू एंड पर्पल आई मिसिंग, ब्लू एंड पर्पल फ्रंट या कलर मिसिंग। फिर बच्चा ढूंढेगा यार ब्लू और पर्पल तो यहाँ प्रोमिनेंट है, फिर वो सोचेगा यूँ लगाऊँ या यूँ लगाऊँ। फिर आप उससे कहें येलो एंड ब्लू इज़ ऑल्सो मिसिंग, ये हो गया जी यहाँ पर कहानी। फिर ब्लू एंड ऑरेंज पार्ट इज मिसिंग, वो देखेगा ब्लू और ऑरेंज कहाँ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब ये तो लगने से रहा, फिर जाहिर है यही लगेगा ना, यही चीज़ है, यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही क्रिटिकल एनालिसिस है। ये होगी कहानी ख़त्म। अब मैं आपको बताऊँगी होममेड पज़ल्स जो मैंने कूड़ कबाड़ से बनाए हैं, बिल्कुल मुफ्त वाले पज़ल्स हैं। ये देखिए, ऐसे बॉक्सेस तो सबके घरों में होंगे ना, सीरियलैक नहीं होगा तो और बहुत से बॉक्सेस होंगे। ये ख्याल रखना है कि जब आप इनको कट करें तो आपने जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 डिफरेंट शेप्स या 2 डिफरेंट कलर्स को आप कट कर रहे हैं, ताकि बच्चे को रिकॉग्नाइज करें कि यार यहाँ रेड चीज़ कुछ थी, वो मिसिंग थी, और थोड़ी थोड़ी येलो भी थी और शेप भी ट्राइंगल होगी। लो जी ये मिल गया। और मैंने क्या किया कि ये वाले पोर्शन को मैंने पक्का पक्का पेस्ट कर दिए एक आम पुरानी सी कॉपी लेके, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि नीचे कुछ लिखा हुआ भी है या नहीं, मैंने उसको छुपा दिया। ये हो गया। अब क्या है जी, पहले तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि सारे इमेजेस को स्ट्रेट करके रख लेने। फिर यहाँ पे 8 हाफ है, ये जी मिल गया हाफ 8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉबेरी मिसिंग है, स्ट्रॉबेरी ये लो जी स्ट्रॉबेरी भी आ गई। सो ये है, ये टेडी बियर की आइज और वो फेस मिसिंग है, हाफ फेस, 1 ईयर मिसिंग है। लो भाई ये भी आ गया। वीट मिसिंग है, आ गई। ये इस तरह से ना, जैसे ये एप्पल हाफ एप्पल कट है, आपने काटते हुए ज़रा टेक्निकल होना है। अब जैसे मैंने सीट को भी आधा कट है। अच्छा, अब आपने इन टुकड़ों को संभालना कैसे है, क्योंकि मैंने ऐसे और भी पज़ल्स बनाए हैं, मैंने इनके पीछे निशान लगा दिए, एक स्पेसिफिक निशान जो मैंने इस पेज पर लगा दिए, और मैंने 8 लिखा है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा। 8 मीन्स इसके 8 पीसेस हैं इस पज़ल के, और इस पे मैंने स्पेसिफिक निशान लगा दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी तरह आगे हैं, ये भी बॉक्सेस कूड़ कबाड़ से ही बना हुआ है, इस पे मैंने छोटा सा सर्कल बना दिया। ये ज़्यादा ट्रिकी हो गया, ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा इमेजेस वाली पिक्चर है, इस पे लिखाई भी हुई हुई है। ये हमेशा की तरह पहले इमेजेस को स्ट्रेट कर लेना और बस फिर बच्चा लगाना शुरू कर देगा। देखो जी डार्क ब्लू कुछ है और येलो कुछ मिसिंग है, मुझे ऐसा पज़ल चाहिए, वो तो ये मिल गया। इसी तरह ना, पहले आपने यहाँ पे भी जो यहाँ पे भी आप 3-4 शेप्स कट करें। ये जी सर्कल और ये 6 पीसेस हैं इसके, ये देखिए जी 6 पीसेस हो गए इसके भी। तो ये मैंने
इनको संभालने के लिए रखा है। अब संभालना किधर है वो भी बता देते हैं। अब ये आ गया न्यू पज़ल, इस पर मैंने छोटा सा स्क्वायर बना दिया, ये देखिए जी, और इसके 7 पीसेज हैं। ये सब हो गया। अब क्या करना है, अब आप एक ये खाली पैक ले लें, उस पर ये इन पॉकेट्स में डाल दें, और आपके पास निशानी है कि जी किस पज़ल के कितने पीसेज हैं और कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, इमोशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि बच्चे को इमोशंस कैसे सिखानी है। अभी हम स्नेल देखते हैं। हमने जी इजी एक और पज़ल बनाया है स्नेल का। स्नेल कहाँ गई हमारी, नहीं जी हमारी स्नेल आ गई। अच्छा, मैंने एक बनाई है स्नेल, ऊपर छोड़ दी है। स्नेल है कैसी, अब बच्चा देखेगा। अब मेरे पास ये 3 पीसेज हैं स्नेल के पज़ल के, इनको मैंने इमेज अपसाइड कर दी है। सबसे पहले को जी 2 आईज हियर 1 आईज मिसिंग, बच्चा यूँ रखेगा यूँ रखेगा, फिर वो आखिरकार शेप भी कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है कि वो रख ही लेगा। फिर क्या है, टमी मिसिंग, फेस माउथ मिसिंग, लो भाई हो गया। अब ये जो इसकी शेल है इसको भी घुमाएगा, यार ऐसे है वैसे है, ये अब जो शेप कटी हुई है वो हेल्प आउट करेगी कि कैसे है। लो जी ऐसे है, ये हो गए पज़ल्स। पज़ल्स बहुत ज़बरदस्त हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, रीजनिंग के लिए, और सिटिंग टॉलरेंस तो इन्हेंस होता ही होता है इन एक्टिविटीज़ में। टीम वर्क आता है, पेशेंस आता है बच्चे में, बिहेवियर के जो इश्यूज़ हैं हाइपर बिहेवियर्स रिजॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कोशिश होगी कि हम इमोशंस के टॉपिक को कवर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप कोई ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ आपसे शेयर किए जाते हैं आप इन्हें मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।